हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममिता और आज मैं बना रही हूं वॉलनट। वॉलनट के ऊपर मैं तीन रेसिपी बनाऊंगी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला मेरी जो भी रेसिपी हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। फ्रेंड्स, वॉलनट आज जो मैं बना रही हूँ, इस वॉलनट के साथ मैं तीन प्रिपरेशन करूँगी। तीन अलग अलग तरीके से आप इस वॉलनट को आप बना कर खा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने ये ले लिया, साबुत धनिया है और ये है ब्लैक पेपर साबुत, ये ले लिया मैंने साबुत जीरा, यहाँ पर है एक मैंने दालचीनी लिया, तीन मैं सूखी लाल मिर्च लिया। तीखा आप अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च एक दो बढ़ा सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया ये है हनी और नमक है, ऑयल भी तेल भी ले लिया है मैंने यहाँ पर। और साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ धनिया के पत्ते लिया, आधी नींबू, और मैंने यहाँ पे ले लिया ये है चाट मसाला और ये है आमचूर पाउडर। तो इसी सारे चीज़ों से आज मैं बनाने जा रही हूँ वॉलनट के ऊपर तीन प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मुझे करना होगा, फ्रेंड्स ये वॉलनट के लिए सबसे पहले मुझे करना होगा ये जो साबुत धनिया है इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ये मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसके साथ साथ ये साबुत जीरा इसे भी डाल देती हूँ, यहाँ पर कुछ साबुत ब्लैक पेपर, और इसके साथ ये एक दालचीनी, और मैं दे रही हूँ यहाँ पे तीन सूखे लाल मिर्च, एक दो तीन, अब मैं दे रही हूँ इस ये जो मसाला है इसे अच्छी तरह मुझे ड्राई रोस्ट करना होगा। ये बहुत सिंपल है लेकिन वॉलनट के साथ ये प्रिपरेशन अच्छा लगेगा आपको। तो मैं इसे ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, अभी इसे अच्छी तरह ड्राई रोस्ट करना पड़ेगा जब तक इसकी खुशबू अच्छी तरह ना आ जाती है। आप ये मसाला बना के रख भी सकती है। आज धीमे करके मैं इसे अच्छी तरह भून लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो सूखा मसाला मैंने अभी अभी ड्राई रोस्ट किया है इसको ही मिक्सी एक जार में ले लेती हूँ और इसे अभी मुझे पाउडर करना पड़ेगा। ये ठंडा हो जाने के बाद ही करना है, गर्म तो नहीं कर सकते। तो ये मसाला जो आप देख रहे हैं इसे मैं अभी मिक्सी में पाउडर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं जो बनाऊंगी वो है हनी वॉलनट मसाला। तो इसके लिए मैंने यहीं से कुछ वॉलनट ले लेती हूँ और इसे ड्राई रोस्ट करूंगी। आप कम ज्यादा कर सकती है, इसे ड्राई रोस्ट करूंगी। थोड़ा स्वाद दे देती हूँ। इसे मैं ऑयल कुछ नहीं दूंगी, सिर्फ हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी हनी वॉलनट मसालादार अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला जो भी मेरी रेसिपी हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा, आप वो देख सकते हैं। तो जो मैं बना रही हूँ आज मसालेदार हनी वॉलनट, थोड़ा सा मीठा
मसाला अच्छा लगेगा। एक बार घर पर बना के आप देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। इसके लिए पहले जो करना होगा सिर्फ ड्राई रोस्ट ही इसे करना होगा। इसे आप स्टोर करके भी रख सकती है, पर ये हनी के साथ है, दो एक दिन में अगर खा ले तो अच्छा होगा। चाय के साथ, कॉफी के साथ, कभी भी ऐसी। तो ये जो मेरा वॉलनट है ये ड्राई रोस्ट हो गया है। डायरेक्ट क्या हुआ, जो वॉलनट है एक बाउल में मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही सिंपल है, फटाफट ये बन जाएगा आपका। और इस वॉलनट को मैंने एक बाउल में ले लिया है, साथ में अभी अभी जो मैंने मसाला रेडी किया था उस मसाले से मैं दे रही हूँ। एक चम्मच मसाला मैंने यहाँ पे दे देती हूँ, और थोड़ा सा, इतना सा मसाला दे दिया। अब इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी मैं। अभी इसे नमक देना होगा, मैंने नमक नहीं डाला, तो इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक दे देती हूँ। ऐसा अच्छी तरह मिला लूंगी। अब इसे अच्छी तरह मसाला के साथ मिला लीजिए। अभी जैसे मैंने कहा था कि ये हनी वाला होगा, तो ये है हनी, इसे आप डाल दीजिए। इस हनी को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसे आप अच्छी तरह मिला लीजिए। इससे एक स्वीट भी होगा, मीठा भी होगा, मसाला भी होगा। और ये मसाला जो है ये चिपके रहेगा, देख ही सकते हैं। ये मेरा पहला प्रिपरेशन जो था हनी वॉलनट मसाला, ये रेडी हो गया है। चाय कॉफी किसी के भी साथ इसे खा सकती है। तो इसे, ये तो मैंने रेडी कर लिया है, एक प्लेट में मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो मेरा जो अच्छी तरह जो मसाला है यहाँ पर, इसे अच्छी तरह मैं निकाल लेती हूँ। पहला वाला डिश हनी मसाला वॉलनट रेडी हो गई है। अभी मैं दूसरी एक डिश रेडी कर रही हूँ वॉलनट के साथ, जिसे मैं हनी नहीं डालने वाली हूँ। वॉलनट का मेरा सेकेंड प्रिपरेशन जो है, उसके लिए मुझे ऑयल चाहिए होगा। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकती है, ऑलिव ऑयल ले सकती है, मैं थोड़ा ऑलिव ऑयल से ही कर रही हूँ। थोड़ा सा दिया है, एक टीस्पून से भी कम। और ये इसमें से थोड़ा सा वॉलनट आप इसमें भी दे दीजिए यहाँ पे। कम ज्यादा आप कर सकती है। पहले वाला मैंने ड्राई रोस्ट किया था, आज इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल के साथ इसे फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा इसे फ्राई कर लेती हूँ।
जो है ये मेरा रोस्ट हो गया है, मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अभी यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा ये जो पाउडर बनाई थी, ये वाला पाउडर ही मैं डालूंगी इसमें। अब ये पाउडर स्टोर करके रख सकती है, करीब एक चम्मच पाउडर यहाँ पे मैं दे देती हूँ। मसाला जो मैं भुना था अभी थोड़ा सा कर देती हूँ और इसे अच्छी तरह मिला लेती हूँ। यहाँ पे देना होगा नमक। अगर आपको हनी के साथ वालनट नहीं पसंद आता है मीठा, तो आप ऐसे मसालेदार वालनट बनाकर खा सकती हैं। तो इसका जो मेरा सेकेंड प्रिपरेशन था वो भी हो गया। मसाला सेम है, एक बार आप मसाला को बना के रख दीजिए तो आप जैसे आपका पसंद हो, हनी के साथ हो या बिना हनी के, बिना मीठा वाला, तो ऐसे आप बना सकते हैं। अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। मेरा सेकंड प्रिपरेशन जो था मसाला वालनट, वो भी मैंने रेडी कर लिया है। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये ड्राई है, इसे आप कोई एयरटाइट कंटेनर में भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेरा थर्ड वाला जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है वालनट चाट, तो मैं अभी बना देती हूँ। अभी जो मेरा लास्ट वाला प्रिपरेशन है वो है चाट वालनट। चाट वालनट बनाने के लिए मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले रही हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप तेल डाल लीजिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाए ये जो मेरी बाकी बची वालनट है इसे मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। इसे भी मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। अभी लास्ट में मैं अभी बना रही हूँ चाट वालनट, तो हल्का सा इसे फ्राई करती हूँ अभी। फ्राई कर लेती हूँ इसे। ज्यादा नहीं फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला मेरी जो भी रेसिपी हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। तो इस जो वालनट है ये हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, तो गैस ऑफ कर देती हूँ। चाट वालनट, ये वालनट को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी इसे मैं, ये जो चाट मसाला है, ये चाट मसाला इसमें मैं डालूंगी क्योंकि मैं बना रही हूँ ये। थोड़ा सा लेके आप डाल दीजिए। ये हो गया चाट मसाला। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप कभी भी खा सकती है, इसके लिए कोई बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें डाल दीजिए आमचूर पाउडर, बहुत ही टेस्टी लगता है आमचूर। आमचूर डाल दिया है मैंने इस यहाँ पर,
ये जो मसाला मैं बनाई थी ये मसाला मैं इसमें नहीं डालूंगी, ये मसाला मेरा बच गया है, इसे मैं रख दूंगी, बाद में यूज करूंगी जब भी मैं फिर से वालनट बनाऊंगी। नमक दे रही हूँ, ये है काला नमक, उसे भी मैं दे देती हूँ। कुछ फ्रेश धनिया के पत्ते, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और मैंने यहाँ पे जो नींबू रखी थी, इस नींबू का रस यहाँ पे निचोड़ देती हूँ, और बहुत टेस्टी बनेगा ये। ऐसा नींबू का रस भी निचोड़ दिया है, धनिया के पत्ते यहाँ पे डाल दिया है, और मैं यहाँ पे डालूंगी ये है भुजिया, आलू भुजिया, क्योंकि ये चाट बना रही हूँ ना, तो इसे चाट की तरह देखने में भी लगेगा और खाने में भी। तो इसमें आप डाल दीजिए भुजिया, हो गया। वाओ, नींबू का और धनिया पत्ता का खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मेरा जो ये थर्ड वाला डिश है चाट वालनट, वो भी रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, मेरी तीन तरह का जो मैं वालनट वो रेडी हो गई है। ये है हनी वाला वालनट, ये सिर्फ मसाला वालनट, और ये है चाट वालनट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये तीन तरह का वालनट अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी रेसिपी है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। एक बार घर पर आप ट्राई करके देख सकती है, अच्छा लगेगा। थैंक यू।